17वां संविधान दिवस, कुछ खास बातें, क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, इस पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे और आप भी अपनी राय रखिएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और आप अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, ठीक है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत सरकार द्वारा 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की गई थी, ठीक है। यह घोषणा अंबेडकर की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मेमोरियल की आधारशिला रखने के दौरान हुई थी। भारत में इस दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं, क्यों ज़रूरी था संविधान, ठीक है। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिलने के साथ ही देश भर में शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक सुदृढ़ संविधान की ज़रूरत महसूस होने लगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा का गठन किया गया और भारत के संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित और सुलेखित संविधान का मसौदा तैयार किया। इसमें किसी भी प्रकार की टाइपिंग या प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छपाई का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह हस्तलिखित और सुलेखित संविधान तैयार किया गया था। संविधान सभा में कुल 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और इसे 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। उन्होंने विश्व का सबसे लंबा संविधान तैयार किया, ठीक है। यह विश्व के सभी संविधानों को परखने के बाद बनाया गया था। यानी आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान दुनिया भर के बाकी संविधानों का अध्ययन किया गया, फिर उनकी कमियों और उनके समाधानों को ध्यान में रखते हुए इस संविधान को बनाया गया, जिससे आने वाले समय में कोई समस्या हो तो उसका हल निकल सके, ठीक है। ये मेरी राय थी, आप अपनी भी राय दे सकते हैं, ठीक है। परखने के बाद बनाया गया था, ठीक है, विश्व में सभी संविधानों को परखने के बाद बनाया गया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 94 संशोधन शामिल हैं। भारतीय संविधान तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 70 दिन का समय लगा, ठीक है। ये एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया गया है, इसीलिए ये संविधान दिवस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद, आज़ादी मिलने के बाद देश को चलाने की एक महत्वपूर्ण एक किताब है, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेष बात यह है, यह ना तो कठोर है और ना ही लचीला। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे, आप समझ सकते हैं, कुछ संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से बदल सकती है उन्हें, इसलिए वो लचीला और नरम है, ठीक है। कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं संविधान में जिसे संसद 2/3 बहुमत से और भारत के आधे प्रदेशों की सरकार की सहमति के बिना नहीं बदल सकती, इसलिए वो कठोर है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।